भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण सेक्टर प्रभारियों की बैठक शनिवार को बेतिहाता स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी की मजबूती और गोरखपुर में लोकसभा सीट में होने वाली उपचुनाव की तैयारी के साथ साथ ग्रामीण सेक्टरों को मजबूत करने पर रणनीति बनाई गई। बैठक में ग्रामीण सेक्टर प्रमुखों से अपने अपने सेक्टरों से संबंधित जानकारियाँ ली गई और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, महानगर मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, रमेश गुप्ता, देवेश श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, जितेंद्र सैनी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस विधानसभा क्षेत्र की बैठक में लखनऊ से चलकर हम सब के बीच आए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय अनूप गुप्ता जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं। मैं मंचा सिंह सभी पदाधिकारी गण का स्वागत करते हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूं। बंधुओं, विधानसभा वार बैठकों का सिलसिला 15 तारीख से ही शुरू हुआ है और अंतिम विधानसभा की बैठक इस समय हो रही है। लोकसभा उपचुनाव का बिगुल भी बज चुका है। आने वाले 11 मार्च को मतदान की तिथि भी नियत हो गई। ऐसे में हम सभी कार्यकर्ता एक बार 7 तारीख को नेपाल क्लब में बैठे हुए थे और उसके बाद यह तय हुआ था कि सेक्टर वार एक एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को लगाकर हम बूथों के सत्यापन का कार्य एक बार फिर से करेंगे। बूथ समिति जो सत्यापित जब हो जाएगी फिर आगे एक बार विधानसभा स्तर पर बैठेंगे। उसी के क्रम में आज ये बैठक हो रही है। बंधुओं, ये लोकसभा का उपचुनाव हम सब के लिए गर्व की बात है कि जो हमारे सांसद हुआ करते थे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास तो हो रहा लेकिन गोरखपुर का भी विकास कम नहीं हो रहा। हर तरफ विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो एम्स की स्थापना हो, फर्टिलाइजर का फिर से चलना हो और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भी तमाम ऐसे कार्य हुए हैं। चंदा घाट का पुल, तरकुलानी रेगुलेटर, बाघागाड़ा नौसर कालेसर तक स्ट्रीट लाइट आदि ऐसे कार्य हुए हैं जो आप हर जगह चर्चा कर सकते हैं। जो शहर का भाग है इस विधानसभा क्षेत्र का, इस भाग में भी बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं। पूरी सूची महानगर अध्यक्ष जी के पास है, वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो विकास कार्य हुए हैं, इन विकास कार्यों की चर्चा हम जब कहीं भी बैठे, चाहे चाय की दुकान हो या सेक्टर की बैठक में हो, बूथ पर जब चर्चा कर रहे हों, लेकिन इन विकास कार्यों की चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए।